हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ। मैं हूं वर्षा। आज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो है हमारे स्किन से रिलेटेड। आज मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसको लगाने से आपको पार्टी ग्लो फेशियल जैसा इफेक्ट आएगा। एक ऐसी छुपी रुस्तम सी चीज जो हमारी किचन में है वो है हनी, जिसको हम क्लिंजिंग से लेके फेस मास्क तक यूज करेंगे और हमारे फेस पे पार्टी ग्लो फेशियल जैसा निखार आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन में और देखते हैं कि आपको हनी को 4 स्टेप्स में कैसे यूज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होममेड 4 स्टेप फेशियल जो कि आज हम करेंगे हनी के साथ। सबसे पहले एक खाली बोल में 1 चम्मच हम हनी लेंगे। और अब इसी में ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब ही कच्चा दूध। कच्चा दूध हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है हमारी बॉडी का क्लिंजिंग मिल्क का काम करने के लिए। तो सबसे पहले 4 स्टेप फेशियल के लिए हम करेंगे क्लिंजिंग। तो ये तैयार हो गया, एक क्लिंजिंग मिल्क की तरह बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम एक कॉटन की हेल्प से इस तरह से क्लीन करना है। अच्छे से आप इस तरह से क्लीन करिए और इसको इसी तरह से आप 1 मिनट तक लगा रहने दीजिए और उसके बाद पानी से धो लीजिए। बस अब मैं इसको 1 मिनट तक इसी तरह से लगा रहने देती हूँ और फिर पानी से धो लूंगी। क्लिंजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रबिंग का। तो फिर से हम बोल में 1 चम्मच हनी लेंगे और अब इसमें नेचुरल जो हम स्क्रब यूज करेंगे, 1/2 चम्मच चीनी और इसी के साथ एक बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो है कॉफी। 1/2 चम्मच यूज करें इसमें कॉफी और इसको कीजिए अच्छे से मिक्स और ये तैयार है एक बढ़िया स्क्रब। अब इस स्क्रब की हेल्प से हम इसे इस तरह से लाइट हाथों से, आपको बहुत ही लाइट हाथों से सर्कुलर मोशन में इस तरह से इसको स्क्रब करना है। अप्रोक्स 3 से 4 मिनट तक अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं बहुत जेंटली। और इसे हमें लगा के नहीं रखना है, बस आप स्क्रब कीजिए 3 से 4 मिनट तक और बस अब इसे पानी से धो देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग के बाद 3rd स्टेप पे हम आते हैं जो कि होता है हमारा बढ़िया सा फेस मसाज, जो कि हम एक बहुत अच्छी क्रीम के साथ करते हैं, नरिश्ड क्रीम के साथ। अब घर में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही नरिश्ड होती है, तो उसके लिए भी आप देते हैं सबसे पहले 1 चम्मच हनी और अब इसमें जो हम नरिशमेंट के लिए यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 1 चम्मच दही। अब से अच्छे से मिक्स करते हैं और आपका ये फेस मसाज क्रीम तैयार है। हनी में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन के सारे डेड सेल्स, देखिए कितना स्मूथ और कितना बढ़िया ये टेक्सचर का मसाज क्रीम बनके तैयार हुआ है। लगाने में बिल्कुल स्मूथ है ये देखिए। हनी की प्रॉपर्टीज से तो किसी को ऐसा नहीं है कि पता ना हो, सबको पता है कि हनी में कितनी बढ़िया एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन से सारे डेड सेल्स निकाल देती हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज भी आप सब जानते हैं। गर्मियों में अगर आप ये फेशियल करेंगे तो बहुत बढ़िया है, इवन सर्दियों में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्लो फेशियल है। पार्टी पे जाने से पहले बस आप जस्ट ये फेशियल कीजिए और आपका चेहरा तो एकदम से चमचमाने लगेगा। ये देखिए 2 मिनट्स तक इसी तरह से आपको मसाज करना है अपने स्किन पे।
और जिस तरह से हम फेशियल कराते हैं और इस स्टेप में फेशियल में पूरी तरह से आपका जो ये क्रीम होता है उसको इतना अच्छे से मसाज किया जाता है कि वो स्किन में पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए, तो बस आपको उसी तरह से इसको अच्छे से मसाज देना है जिससे कि ये अब्सॉर्ब हो जाए। इस स्टेप में थोड़ा सा आप टाइम ज्यादा लगाइए क्योंकि यही सबसे मेन स्टेप होता है। अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि फाइनल स्टेप आप सबको पता है कि क्या होता है। फेस मसाज देने के बाद हम लगाते हैं एक बढ़िया सा ग्लोइंग पैक, और ये देख सकते हैं आप, तीन स्टेप्स के बाद ही मेरे हैंड में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। इस हैंड में जिसपे मैंने अभी तक क्लीनिंग, स्क्रबिंग एंड मसाज किया है, एकदम टाइट मुझे फील हो रहा है ये स्किन। और ये देखिए आप कलर कॉम्प्लेक्शन में तो फर्क देख ही सकते हैं। तो चलिए अब इसका फाइनल स्टेप करते हैं। ये मैंने एक चम्मच इसमें दूध ले लिया है और अब इसमें फिर से ऐड करते हैं एक चम्मच हनी। इतना ज्यादा अगर हम अपने फेस पे हनी का यूज करेंगे तो फेस चमकना ही चमकना है। साथ में इसमें मैं ऐड कर देती हूं थोड़ा सा रोज वाटर, एक चम्मच बेसन, और इसमें अब डालते हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल। आप इसमें अलसी का जेल भी यूज कर सकते हैं जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है और वो बहुत इफेक्टिव जेल है, आप उससे भी ये बढ़िया सा ग्लोइंग पैक बना सकते हैं। ये देखिए ये तैयार है, बस अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पैक को आपको इस तरह से 5 मिनट तक लगे रहने देना है या फिर जब तक ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता, फिर आप नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिए और बस ये आपका फेशियल कम्प्लीटली रेडी हो गया। ये देखिए मैं पैक पूरी तरह से हटा चुकी हूँ और आप डिफरेंस मेरे हैंड और आर्म में भी देख सकते हैं। आप दोनों हाथों में डिफरेंस देखिए, ये वो हैंड है जिसपे मैंने फेशियल किया है और ये वो हैंड है जिसपे मैंने कुछ नहीं किया है, आपको डिफरेंस इजीली नजर आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का हनी फेशियल? आई होप ये अच्छा लगा होगा क्योंकि हर चीज में बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, सब कुछ हमारे घर में है, किचन से हमें बहुत इजीली सब कुछ मिल जाएगा, केमिकल किसी भी चीज में नहीं है और आप डिफरेंस तो बिल्कुल देख सकते हैं, लाइट प्रूफ बिल्कुल मैं आपको दे रही हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये हनी फेशियल? आई होप पसंद आया होगा। क्लींजिंग से लेके फेस मास्क तक हनी को 4 स्टेप्स में कितना इजीली हमने यूज किया और वो भी बहुत ही आसान चीजों के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है बस इसको आपको प्रेस करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। फिर मिलूंगी एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक